नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। गाजियाबाद ग्रीन वैली सुजवा जम्मू जिले की रहने वाली मतांशा 10वीं की छात्रा है। उसने सैकड़ों कलाकृतियां बनाई और आलोचकों और ग्राहकों से पहचान हासिल की। मुझे बचपन से ही पेंटिंग और स्केचिंग का शौक रहा है। मैं कलाकृतियां बनाने का तरीका सीखने के लिए किसी कला विद्यालय नहीं गई, लेकिन यूट्यूब पर कौशल सीख रही हूँ। मतांशा कहती है, मैं जो कुछ भी देखती हूँ और महसूस करती हूँ, मैं उसे अपने चित्रों में चित्रित करने की कोशिश करती हूँ। सबसे बढ़कर कला मुझे खुश करती है और मुझे मन की शांति और संतुष्टि की भावना देती है। वह आगे कहती है कि मतांशा का कहना है कि वह अपनी कलाकृतियों को इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेचती है। मैं अपनी कलाकृति की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ और यहीं पर मेरे अधिकांश ग्राहक मुझसे संपर्क करते हैं। ये पूछे जाने पर कि वह जीवन में क्या देखती है, मैं और अधिक सीखना और अधिक हासिल करना चाहती हूँ, उनका जवाब है, बचपन से ही मेरा झुकाव कला के प्रति था और जब भी मैं कहीं भी कोई पेंटिंग या डिज़ाइन देखती थी तो मुझे यह जानने की उत्सुकता होती थी कि कलाकार के लिए इस तरह की एक संपूर्ण और संपूर्ण कला को बनाना कितना आनंददायक होगा। बचपन में मैंने जो भी कलाकार देखा उसने मुझे एक कलाकार के रूप में आकार दिया। मुझे ये शौक बचपन से ही था, जस्ट इन क्लास सेकंड। सर, मुझे ये पेंटिंग करना बहुत पसंद है, इवन बहुत ज़्यादा, और मेरे पेरेंट्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था इसमें। मेरी मदर का काफ़ी ज़्यादा था, उन्हें काफ़ी शौक था पेंटिंग वगैरह करने का, देन इसके अकॉर्डिंग मुझे भी काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से मुझे उनसे काफ़ी सपोर्ट मिली है मेरी मदर से। सर, मैंने अपनी पेंटिंग्स, मैं दो बार कॉम्पिटिशन में जा चुकी हूँ। एक बार मेरा भागे भाव कॉम्पिटिशन हुआ था, उसके बाद मुझे उससे सेलेक्ट किया गया था पत्नी टॉप, स्काई व्यू पत्नी टॉप में। देन मेरा वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन हुआ था, उसके बाद मेरी कुछ पेंटिंग्स और चार्ट्स वगैरह स्कूल में जाते हैं पोस्ट होने के लिए। सर, मुझे मेरी जो हॉबीज़ है, अगर मैं अपनी हॉबीज़ की बात करूँ तो मुझे पोइट्री वगैरह बहुत पसंद है, लिखना भी बहुत पसंद है और करना भी बहुत पसंद है। उसके अलावा मेरी कैंपिंग वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा हम पेंटिंग वगैरह भी मैं करती हूँ और मुझे फ़ोटोग्राफी का भी बहुत ज़्यादा शौक है। सर, मेरा अगर मैं बात करूं पोइट्री और अपनी पेंटिंग की, तो सर मुझे सबसे ज़्यादा पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है पोइट्री से ज़्यादा। पोइट्री मैं कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन पेंटिंग मैं रूटीन में नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं पेंटिंग कभी कभार बीच बीच में कर लेती हूँ। पोइट्री भी सर मैं बीच बीच में लिख ही लेती हूँ। इवन पेरेंट्स की तरफ से कितना सपोर्ट मिला? पेरेंट्स की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं कि तुम अच्छा कर सकती हो, बेटर कर सकती हो, इससे भी अच्छा करती हो, अगर तुम करोगी तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा इसमें बहुत सारा तुम्हें इंक्रीजेस मिलेगा इसमें, अगर तुम अच्छे से करोगी तो। मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट है इसमें। सर, मेरा यही मैसेज है सबके लिए कि जो इन चीज़ों में आ चुके हैं, जो चले गए हैं अब इन चीज़ों में, उनको इन चीज़ों से हट जाना चाहिए और सही रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। यस सर, मिला है, अगर वो और अच्छा करे तो हम जैसे लड़के लड़कियां जो है, बहुत सारा टैलेंट है हम लोगों में, उभर के और अच्छे से अच्छे आ सकता है अगर वो ऑर्गेनाइज अच्छे से करे तो। वैसे हमें बहुत सपोर्ट मिला है उनकी तरफ से भी।